नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। यूपी के ODF अभियान में लगे अफसरों की लापरवाही कहीं या फिर खुले में शौच जाने की सजा का है, जिसका खामियाजा एक दलित किशोरी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मामला कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना इलाके का है, जहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 8 की किशोरी छात्रा की अस्मत लोटकर मौत के घाट चाकुओं से कूदकर उतारा दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस महकमे समेत प्रशासनिक कमले में भी हड़कंप मचा हुआ है। घटना का खुलासा आज उस समय हुआ जब ग्रामीणों ने किशोरी की लाश और नग्न हालत में खेत में देखी। लाश मिलने की सूचना ने जंगल की आग तरह पूरे फैल गई। आनन फानन में कोखराज पुलिस ने 7 अफसरों की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। कई घंटों की जाँच के बाद किशोरी की शिनाख्त पुलिस ने गाँव की दलित सैको पासी की 15 साल की बेटी पूजा के रूप में की है। पूजा की दर्दनाक मौत की जानकारी मिलने के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है। घर के लोग उस अफसरों को दोषी ठहरा रहे हैं जो गांव को खुले में शौच से मुक्त करने का दावा तो करते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें शौचालय न होने के कारण खुले में शौच के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। खुले में शौच के लिए गई दलित किशोरी की लाश मिलने की सूचना के बाद पुलिस महकमे में भी नहीं प्रशासनिक कमले में भी हड़कंप मचा हुआ है। कोखराज पुलिस ने आनन फानन में किशोरी की शिनाख्त कर उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। SP प्रदीप गुप्ता के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित घर वालों ने किसी पर हत्या का शक किसी पर जाहिर नहीं किया है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वापस नहीं है।